नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। होंडा सिटी एक ऐसी सी सेगमेंट सेडान जिसको इंडिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस गाड़ी में आपको बेहतरीन लुक, डिजाइन और फीचर्स के साथ साथ सबसे ज्यादा स्पेस और कंफर्ट मिलता है। सिटी का फर्स्ट जेनरेशन 22 सालों पहले 1998 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इसको 4 बार पूरी तरह से अपडेट किया जा चुका है, मतलब इसके 4 नए जेनरेशंस को लाया जा चुका है। करंटली 2020 में सिटी के 5th जेनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो देखने में काफी बेहतरीन और प्रीमियम है। और आज मैं इसी 5th जेनरेशन होंडा सिटी का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आपको इसके बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा आसानी से लग जाएगा। एक्सीडेंट पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं सेडान के सेफ्टी रेटिंग्स की। न्यू जेनरेशन होंडा सिटी को पिछले साल एशियन एनकैप में टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे। इंदौर से मिस्टर सर्वज्ञ जी ने मुझे मेल किया है और न्यू जेनरेशन होंडा सिटी के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। ये एक्सीडेंट 21 जनवरी को इंदौर के लव कुश चौराहे पर रात में करीब 12:30 बजे के आसपास हुआ है। सर ने बताया कि 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 5 लोग होंडा सिटी से विजयनगर की तरफ जा रहे थे, तभी चौराहे पर उज्जैन से आ रही एक आइसर ट्रक ने उसमें जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिसकी स्पीड लगभग 90 किलोमीटर पर आर के आसपास थी। हालांकि ये टक्कर कैसे हुआ और इसकी वजह क्या थी ये मेंशन नहीं है, लेकिन जहां तक है ये रात के टाइम चौराहे पर तेज रफ्तार में एक दूसरे को ना देख पाने की वजह से हुआ है। फोटोज में आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ट्रक से लड़ने के बाद होंडा सिटी का पूरा फ्रंट खत्म हो चुका है। कोलिजन का इम्पैक्ट इसके ए पिलर तक पहुंच गया, हालांकि ये बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हुए हैं। इसके अलावा टक्कर लगने के बाद ही सेडान के सारे एयरबैग्स भी टाइमली ओपन हो गए, जिससे इसमें बैठे 5 पैसेंजर्स को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, वो सेफली कार से बाहर आ गए। दूसरे तरफ ट्रक की बात की जाए तो उसकी फोटोज नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर के सर में थोड़ी चोटें आ गई थी। जिस होंडा सिटी का ये एक्सीडेंट हुआ है वो मात्र 15 दिन पुरानी थी। 6 जनवरी को इसे खरीदा गया और 21 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया। जहां तक मुझे लगता है ये 5th जेनरेशन सिटी का शायद पहला ऐसा मेजर एक्सीडेंट है जिसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखी हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।